आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आइए चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या है, हमें एक वर्ड दिया गया है जिसका हमें अपोजिट वर्ड जो है वो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो आइए पहले वर्ड का ये मीनिंग जान लेते हैं। वर्ड क्या है? एब्रिज। एब्रिज का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? एब्रिज का मीन्स होता है शॉर्टन, यानी कि छोटा। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने हर ऑप्शन का मीनिंग जान लेते हैं जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड हमारे इसका अपोजिट हो सकता है। स्ट्रेच मीन्स होता है कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्गर और वाइडर विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि किसी भी चीज को इतना लंबा खींच देना बिना उसे तोड़े। तो सेकंड वर्ड जो हमारा वो है कर्टेल। कर्टेल का मीन्स है रिड्यूस इन क्वांटिटी, यानी कि मात्रा में कमी करना। फिर थर्ड वर्ड हमारा पैसिफाई। पैसिफाई का मीन्स है क्वेल द एंगर और एक्साइटमेंट, यानी कि क्रोध या उत्तेजना को शांत करना। और लास्ट वर्ड हमारा वॉयलेट। वॉयलेट का मीन्स है ब्रेक और फेल कंप्लाई विद और फॉर्मल एग्रीमेंट, यानी कि किसी रूल या फॉर्मल एग्रीमेंट को फॉलो करने में फेल होना। तो हमारे हिसाब से फ्रेंड्स, जो शॉर्टन का अपोजिट वर्ड यानी कि उसका अपोजिट जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रेच, यानी कि स्ट्रेच ही हमारा सही आंसर है। एब्रिज मीन्स छोटा और स्ट्रेच मीन्स किसी चीज को बड़ा करना। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।